हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी मुन्ना ब्लॉग्स। में कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यहाँ भी सब कुछ अच्छा है। तो आज है दिन संडे और आज हमारा ब्लॉग में आज संडे स्पेशल नाश्ता आने वाला है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या बनाने जा रही हूँ मैं। तो आज ईशू का ऑर्डर था, तो चलिए आज ईशू का ऑर्डर था कि आज पास्ता बना। तो मैं पास्ता को यहाँ पे उबाल ली हूँ, उबाल करके और इसका पानी जो भी था वो सारा निकल गया है और इसको मैं अब जा रही हूँ बनाने। और यहाँ मैं मसाले के लिए रखी हुई हूँ, अभी इसको कूटना बाकी, इसको कूट के डालूँगी लहसुन को। और अदरक हो आपके पास तो अदरक भी डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैं अदरक का यूज ही नहीं करती हूँ, इसके लिए मेरे पास नहीं है। और यहाँ हरी मिर्च है, दो कटा हुआ टमाटर है, एकदम रेड कलर का टमाटर, कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे मैंने चार मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। और इसी के साथ चलिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा कढ़ाही गर्म हो चुका है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। और तेल जब भी हो जाए तो फिर इसमें मैं डालूँगी जीरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा तेल हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा गर्म हो गया और इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा जब हल्का ब्राउन हो जाए, चटक जाए, तब इसमें मैं डालूँगी जो मैं मिर्ची कट करके रखी थी, जो अभी आप लोगों को दिखाई हूँ वो मिर्ची। तो इसमें गया हमारा मिर्ची। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिर्ची हमारा हो गया और इसी के साथ डालेंगे ये मैं लहसुन, इसको मैं ये कर दी हूँ कुट करके। और इसमें मैं डाल दी लहसुन। थोड़ा अच्छे से मिला करके और फिर इसी के साथ मैं डालूँ यहाँ पे प्याज, जो हमारा कटा हुआ था प्याज। तो यहाँ हमारा प्याज थोड़ा सा हल्का सा कुछ ब्राउन हो गया है, हल्का सा। तो इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटर, जो मैं कट कर रखी थी वो टमाटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, क्योंकि इसमें भी हल्का सा नमक था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाली हूँ। और इसे मैं मिला दूँगी क्योंकि टमाटर थोड़ा सा नमक डालने से ही गलेगा। और मैंने इसमें हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची डाल करके और मैं मिला दी हूँ। और नमक डालने से ये देखिए कितना जल्दी इसमें ये हो गया, मिल गया है। इसको बहुत अच्छे से मिला दूँगी मैं। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा पास्ता मसाला, जो कि पास्ता का सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा पास्ता मसाला है, जो कि इसमें मैं डाल दूँगी। तो इसमें मैं डाल दूँ यहाँ पे पास्ता मसाला, जो मैं आप लोगों को दिखाई थी। और फिर मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी और इसकी खुशबू तो वाओ अच्छा कर रहा है। और इसमें फिर मैं डाल दूँगी ये पास्ता, इसको अच्छे से मिला दूँगी क्योंकि ये सूखा सूखा है, तो इतना सूखा हम लोग को नहीं अच्छा लगता है। तो इसे मैं डाल दूँ इसमें थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा सा नहीं। आधा कटोरी के करीब पानी इसमें डाली हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मिल गया है हमारा पास्ता,
ये हमारा पास्ता है रेडी, और इसमें आप चाहो तो धनिया पत्ता डाल सकते हो। अभी मेरे पास नहीं है, अभी हस्बैंड जाएंगे मार्केट तो लेकर के आएंगे धनिया पत्ता, तो तब तक उससे पहले मुझे पास्ता बनाना था इसलिए मैं बना दी हूँ। आप लोग धनिया पत्ता से भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसमें, धनिया पत्ता डालोगे तो। मेरे पास नहीं है अभी धनिया पत्ता, तो मैं धनिया पत्ता जरूर डाल दूँ। और उधर बाबू लोग टी वी देख रहा है, उसका आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा, बदमाशी भी कर रहा है। और जब ये अच्छे से मिल जाए, मतलब मिल ही गया है, थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए फिर देखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये पास्ता हो गया है बिल्कुल रेडी, गर्मा गर्म पास्ता है रेडी। जिनको जिनको खाना है वो लोग आ जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूंगी जिनको जिनको चाहिए होगा। और इसके साथ मैं डाल दूँ यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आधा चम्मच के करीब इसमें डाली हूँ चाट मसाला, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिला देती हूँ, और इसमें मैं कोई भी सॉस वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी, केचप का भी नहीं, क्योंकि मुझे सॉस केचप डाला हुआ अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा टमाटर केचप इशू के प्लेट में डाल दूँगी ताकि वो खा ले, नहीं तो वो नहीं खाएगी बिना केचप का। बात रखें हम लोग इधर नहीं खाते हैं कोई लोग, तो चलिए इसको गर्मा गर्म सभी लोग को दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि तो गर्मा गर्म ही अच्छा लगेगा। मैं बहुत मिस की अभी मैं धनिया पत्ता ख़त्म हो गया था इसके लिए, तो चलिए बने भी ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगता है आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं बनाई हूँ वैसे ही आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ मैं कर देती हूँ गैस को अपने बंद, और यहाँ हमारा ये रेडी है पास्ता। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा गर्मा गर्म पास्ता है रेडी। ये है मेरे पति देव का, और ये ईशु का मैं केचप मिला दी क्योंकि वह ऐसे नहीं खाएगी। तो कैसा लगा, और ये आप लोग ज़रूर जैसे मैं बनाई हूँ वैसे ट्राई कीजिएगा, कैसा आप लोगों को लगता है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पति देव को और ईशु को दोनों लोग को दे देते हैं। फ्रेंड्स ये ईशु का है, ईशु को भी दे देती हूँ। तो यहाँ ईशु बैठ गई है खाने के लिए, कैसा है ईशु? ये हमारा पास्ता का नाश्ता चल रहा है, कैसा बना है ईशु? कैसा है? जा कैसा है? अच्छा, वाओ सुपर। ईशु कैसा बना? कैसा बना, क्या हुआ, तीखा कैसा लग रहा है? अच्छा, तो ये देखिए ये ईशु का था, ये गई है अभी पानी पिलाने, इसको थोड़ा तीखा लग गया, और इनको तो अच्छा ही लग रहा है। तो चलिए अच्छा लग रहा है, ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। जैसे मैं बनाई हूँ वैसे ही आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक देखना ही। बाय 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 बाय।